सरकार को इतना वोट से हराए हैं कि हम लोग अपार खुशी हो रही है सभी लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठा का सीट सरकार की थी। सरकार की मंशा द्वारा पाप होता है, क्योंकि पिछले चुनाव का भी कटा मीठा अनुभव हम लोग को है, लेकिन यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग यहाँ जमे हुए हैं, अगर यहाँ किसी तरह की बातें होगी तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे जो हैं वो आने लगे हैं, और इस वक्त हम देख सकते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद हैं, और तकरीबन 11:30-12 बजे का वक्त रहा होगा जब वोटों की गिनती ख़त्म हो चुकी थी और कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से ऐलान भी हो चुका था। कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह भी देखा जा रहा था। 180 वोट से कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर जीत दर्ज कर चुके हैं, मगर अब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कार्यकर्ता इस कड़ी धूप में भी डटे हुए हैं और मोर्चा संभाल रखा है, और साफ तौर पर राजद के विधायक सह मुख्य प्रवक्ता भाई बीरेन ने कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है और यही कारण है कि विलंब हो रहा है। सबसे पहले भाई बीरेन का वो बयान सुनिए जिसमें कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एक बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्रतीक्षा तो हम लोग कर ही रहे हैं और हम लोग जीत गए हैं। अब सरकार जितनी प्रतीक्षा करा ले, एक जीत तो हमारी हो गई है, इसी खुशी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और चूंकि पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी का सीट जितना बहुत बड़ी बात है, और यहाँ हम लोग सरकार को इतना वोट से हराए हैं कि हम लोग अपार खुशी हो रही है सभी लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठा का सीट सरकार की थी, और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के नेताओं के सक्रियता के वजह से और कार्यकर्ताओं के सक्रियता के वजह से ये सीट जीती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता और अपने पटना के मतदाताओं को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के नेताओं की बात को मानकर कार्तिक कुमार को चुनाव जिताने के लिए आप सबको शुभकामना बधाई। विलंबता के पीछे का कारण क्या लग रहा है भाई वीरेंद्र? क्या विलंबता के पीछे का कारण क्या लग रहा है? उसके पीछे क्या कारण? सरकार की मंशा द्वारा पाप होता है, क्योंकि पिछले चुनाव का भी कटा मीठा अनुभव हम लोग को है, लेकिन यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग यहाँ जमे हुए हैं, अगर यहाँ किसी तरह की बातें होगी तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। नवादा में क्या जो नजदीक लोकल कार्यकर्ता था उनको नजरअंदाज करना चाहिए, आरजेडी में भारी पड़ गया क्या? देखिए, ये सब बात जब जरूरत पड़ेगी तो आप पूछिएगा बाद में, अभी पटना की बात पूछिए तो अच्छा लगेगा। तो आपने सुना भाई बीरेंद्र को साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं, कार्तिक कुमार को अब तक जो जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है, और अगर सरकार खेला करने की कोशिश करेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि तमाम राजद के कार्यकर्ता और नेताओं का जो जुटान है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और क्योंकि काफ़ी गर्मी है उसके बावजूद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि कार्तिक कुमार जीत दर्ज कर चुके हैं 180 मतों से, और उसके बावजूद कार्तिक कुमार अंदर हैं, मौजूद हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हमने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चल रहा है कि कुछ एरर होने के कारण सर्टिफिकेट में विलंब हो रहा है, और जल्द ही कार्तिक कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मगर कार्यकर्ता और जो राजद के नेता हैं एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी पटना का जो सीट है वो हॉट सीट था, और कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो खेला करने के लिए विलंब कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।